ये पैसे लेते हैं, पैसा लिखाओ तो बाबर आजम भी आ जाएगा, उसका अब्बा भी आ जाएगा। कंसिस्टेंसी जो है वो रिक्वायर्ड है उस चीज के लिए, तो वहाँ पे रोहित शर्मा का कोई तुक नहीं बनता। आईसीसी को अब पैसे के साथ ताल्लुक है उसका। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 टीम ऑफ द डेकेड अनाउंस कर दी। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, और आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि ये आईसीसी की नहीं बल्कि आईपीएल की T20 टीम ऑफ द डेकेड है। ऐसा लगता है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। वी गॉट नथिंग अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ हमारा कोई कुछ नहीं है, इंडिया की टीम फैंटेस्टिक टीम है, बहुत ही क्वालिटी के प्लेयर्स उनके पास हैं, इसके ऊपर तो दो राय है नहीं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के प्लेयर्स का शामिल ना होना, श्रीलंका के प्लेयर्स का शामिल ना होना, वेस्टइंडीज जिसने दो वर्ल्ड कप जीते हैं इस डेकेड के अंदर, उसके प्लेयर्स को शामिल ना किया जाना, और खास तौर पर डैरेन सैमी जैसा कैप्टन जो कि T20 कप्तान बनना डिजर्व करता है, उसको शामिल ना करना बहुत बड़ा सवाल निशान है। बाबर आजम जैसा बैट्समैन जो कि T20 पे नंबर एक पे है, उसका भी शामिल ना करना ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। इस वक्त हम मौजूद है मॉडल टाउन क्रिकेट ग्राउंड लाहौर में, और यहाँ पे मौजूद जितने भी स्पोर्ट्समैन है उनसे बात करेंगे, देखते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राना नुमान। प्यारे भाई क्रिकेट वगैरह खेलते हो, थोड़ा बहुत आइडिया है? जी बिल्कुल है। आपको पता है आईसीसी ने T20 टीम ऑफ डेकेड अनाउंस किया, इसमें किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को शामिल नहीं किया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? टू बी ऑनेस्ट, मैंने जो रात की टाइम लिस्ट देखी तो पहले मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा ये टीम ऑफ आईपीएल है, उसके बाद मैंने ऊपर से देखा तो आईसीसी लिखा हुआ नजर आया, तो मुझे बहुत ही हैरत हुई, क्योंकि आपके टॉप 10 बॉलर्स में से, डिकेट के टॉप 10 बॉलर्स में से तीन पाकिस्तानी हैं, जिसमें से नंबर वन है उमर गुल। ये आईसीसी थोड़ी है, ये तो आईपीएल की क्रिकेट है सारी, ये सारे इंडियन प्लेयर्स को फॉलो करते हैं, सारे इंडियंस को लेते हैं, और ये ना इन्होंने श्रीलंकन में से कोई प्लेयर ऐड किया ना कोई वेस्टइंडीज में से, ये तो सारा सर आईपीएल चला रहा है। ये तो चोर हैं, ये इंडिया से पैसे लेते हैं, जिस तरह की इंडिया पैसा लगा के जो सा मर्जी प्लेयर रखवा लेते हैं, तो पाकिस्तान भी जाए पैसे लगा के लगवा सकती है, लेकिन ये नहीं करती। T20 की टीम बनाई है तो पूरी, या वनडे की बनाई है तो उससे महसूस होता है वो आईपीएल वाली टीम है, और इसके अलावा कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं किया गया। आईसीसी को अब पैसे के साथ ताल्लुक है, उस क्रिकेट के साथ जैसे लगाव होता है। जिसमें से नंबर वन है उमर गुल, जिसके 6 रन पे 5 बेस्ट बॉलिंग है और 2 दफा 5 विकेट्स हॉल है उसके। उसके एज कम्पेयर टू बुमराह अच्छा बॉलर है, लेकिन उसके आप देखें उमर गुल की हद तक डिकेट की बात हो रही है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ज्यादती है बाबर आजम जैसा अजीम बैट्समैन जो कि इस वक्त नंबर एक T20 बैट्समैन, उसको भी शामिल ना करना, ये ज्यादती नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, और ये एक सवालिया निशान है आईसीसी के ऊपर? ये तो सरासर ज्यादती है, और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये आईसीसी नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। कवानीन होते हैं इंसाफ और अदल नहीं कर रही है आईसीसी, पाकिस्तान और दूसरे बोर्डों के साथ भी नहीं कर रही, जैसे श्रीलंका हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस तरह और भी छोटे जो टीमें हैं उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही। लेकिन पाकिस्तान का जो बाबर आजम T20 का बैट्समैन नंबर एक पे, उसको भी शामिल ना करना ये ज्यादती नहीं है? ये ज्यादती है, ये पैसे लेते हैं, पैसा लिखाओ तो बाबर आजम भी आ जाएगा, उसका अब्बा भी आ जाएगा, उसका अब्बा भी आ जाएगा, उसका अब्बा भी आ जाएगा। ये सारी इन पैसों की गेम है, इंडिया जितना पैसा लगा रहा है उतना कोई और कंट्री नहीं लगा सकता। उमर गुल जो है टॉप विकेट टेकिंग के हिसाब से है वो बहुत आगे है उनसे, शाहिद अफरीदी दूसरा है, वो टॉप 10 की डिकेट के टॉप टेकर्स में से है, विकेट टेकर्स की बात हो रही है। इमाद वसीम तीसरा है टॉप टेकर्स में से, टॉप 10 रेटिंग में जो है तीन बॉलर है। मोहम्मद हफीज की भी बहुत अच्छी रही है परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को खिलाड़ी को किसी को भी T20 या वनडे या टेस्ट में शामिल नहीं किया गया। उमर गुल का T20 में कैरियर देखें, उसने 2 दफ़ा तकरीबन 7 रन या 6 रन दे के 6 विकेट लिए हैं, और 1 दफ़ा 5 लिए हैं। उसका T20 में कैरियर बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद सईद अजमल द मैजिशियन, उसके होते हुए आप किसी और स्पिनर का सोच भी नहीं सकते डिकेट की टीम, अगर आप T20 की अनाउंस कर रहे हैं। अगर हम बैटिंग पे आए, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, ये इंडिया वाले बहुत कम किसी की तारीफ करते हैं, स्पेशली अगर वो पाकिस्तानी हो, लेकिन इंडियन मैचेस में आपको लिखा हुआ नजर आएगा सॉरी विराट कोहली कि आपको हम देवता मानते हैं पर माई फेवरेट इज बाबर आजम। ये मैंने खुद देखे हुए हैं उनके मैचेस में, इंडियन बंदा बैनर उठा के लिखा हुआ है उसने कि बाबर इज गॉड ऑफ क्रिकेट फॉर अस। तो बाबर आजम 50 प्लस के एवरेज से खेल रहे हैं, वो दूर दूर तक नहीं है उस टीम में जिसमें 30 और 33 के एवरेज के प्लेयर इन्होंने रखे हुए हैं। सैयद हफीज, उनके आप पिछले साल की परफॉर्मेंस देखे, 80 प्लस के एवरेज से 145 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो स्कोर कर रहे हैं, दूर दूर तक हफीज का नाम नहीं है। धोनी जो है जिसको उन्होंने कप्तान बनाया, क्या ये धोनी की जगह डैरेन सैमी 2 दफा
वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के कप्तान थे, क्या वो डिजर्व नहीं करते डैरन सैमी? क्योंकि धोनी की परफॉर्मेंस T20 में, IPL में होगी, इंटरनेशनल सर्कल में धोनी की परफॉर्मेंस, धोनी को कप्तान बनाने का कोई तुक नहीं बनता, क्या कहेंगे? बात वही है कि अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। हाँ धोनी अच्छा है, पर बात हो रही T20 की और डिकैट की टीम की, तो फिर आप जाएंगे ग्राफ पे, जाएंगे आप परफॉर्मेंस पे जाएंगे, किसने किसको, ईस्ट इंडियन टीम जो बिल्कुल एक बिखरी हुई टीम थी उसे डैरन सैमी ने उठाया है, वर्ल्ड चैंपियन बनाया है, तो आप देखिए उस इस बात को आप देखिए, उसने वहाँ पे कैरेबियन लीग में अपनी टीम को उसने चैंपियन बनाया है, जलमी को चैंपियन बनाया है। तो डिकैट की बात हो रही है और इंटरनेशनल जो है स्क्वाड की बात हो रही है, तो उसमें से फिर आपको इस साइड पे रियलिटीज को रखना होता है नजर में, पर कुछ फैसले मतलब समझ में ना आने वाले हैं। मैक्सवेल का बनता था, मैक्सवेल अच्छा प्लेयर है T20 के हिसाब से, पर जो मैं देख रहा हूँ रोहित शर्मा, हाँ वो है बैट्समैन, पर वनडे के हिसाब से अगर ले ले वो कभी कभार वन मैन शो आपको जितवा सकता है, पर आप डिकैट की और वही बात है वर्ल्ड 11 की बात कर रहे हैं, तो आपको एक कंसिस्टेंसी जो है वो रिक्वायर्ड है उस चीज के लिए, तो वहाँ पे रोहित शर्मा का कोई तुक नहीं बनता। क्रिटेरिया की अगर आप बात करें तो हर वो प्लेयर इसके लिए डिजर्विंग है जो 2010 से 2020 के बीच में खेला हुआ हो, तो अगर इनकी हम बात पे आ जाएं कि क्रिटेरिया पिछले 5 साल में अगर कोई खेला हुआ है या किसी की डेब्यू हुई है, तो धोनी की कौन सी 2015 के बाद डेब्यू हुई है, 2010 के बाद डेब्यू हुई है, एबी ड्यूलर की कौन सी 2015 से पिछले सालों में डेब्यू हुई है, क्रिस गिल की डेब्यू कौन से पिछले 5 साल में हुई है, रोहित शर्मा की पिछले 10 सालों से ज्यादा हो गए हैं वो खेल रहा है, ये क्रिटेरिया तो कोई नहीं है, ये तो बस उन्होंने एक जान छुड़ाने के लिए एक सवाल हुआ है, तो उसके बाद उन्हें खुद क्योंकि पता नहीं कि हमारी क्रिटेरिया असल में है क्या, तो उसके बाद उन्होंने ये जवाब दिया है जिसमें वो खुद फंसे हुए हैं। देखिए जितने भी स्पोर्ट्समैन थे यहाँ पे, हमने उनसे बात की और एक स्पोर्ट्समैन इस चीज को समझ सकता है, उनका कहना था ICC ने जो टीम ऑफ डेकेड अनाउंस किया है इस पे पाकिस्तान के प्लेयर्स को शामिल ना करना एक बहुत बड़ी ज्यादती थी। वी आर नॉट गोइंग टू ऑफेंड भारत, देखिए उनकी जो टीम है फैंटास्टिक टीम है, उनके प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जसप्रीत बुमराह हो, देर आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स, लेकिन पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई है। पाकिस्तान की टीम जो कि T20 में बड़ा हाईली परफॉर्म कर रही थी, 2 साल लगातार T20 का नंबर एक स्पॉट पर थी पाकिस्तान की टीम, इसके बावजूद पाकिस्तानी प्लेयर्स को शामिल ना करना ये ICC के दोहरे रवैया दोहरे मियार को शो करता है। और देखिए ये हकीकत है, बिग थ्री का बनना और इस तरह के ये जो इकदामात हैं ICC की जानिब से, ये इसके बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स को कैटेगराइज भी नहीं किया गया था नॉमिनेशन के लिए, उनको नॉमिनेट ही नहीं किया गया, और ये बड़ी ज्यादती है पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। इसके साथ साथ वो लोग जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, पेज पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करना मत भूलिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।